ये लोगों के दहशत पैदा करके उन्होंने हथे करने की चाल है। जो लोग हथे हो जाएंगे उन्होंने जुलम करना होर सौखा हो जाए। जिहड़ा किसी नूं मारन दी धमकी दिंदा है उन्हूं फिर गनमैन नहीं ना देने चाहिए। तो साढ़े शास्त्र पीर ने मोदी साहब के बंदूकों का फोटो पा रहे हैं उत्थे जो नवी बंदूक भारत लिए खरीद जा। पर फिलहाल ये पंजाब का पूरा जो आप दौरा कर लिया फिर उस तो बाद पंजाब तो बाहर भी चले पावे। भी जो सिद्धू मूसेवाले का संदीप नंगल अंबिया का कतल होया उदों कोई यहोजी कार्रवाई कर दे उदों तो की नहीं। हूँ दो होर कतल आया हूँ करनी शुरू कर दी है। देखो महाराज सच्चे पातशाह के हाथ वास्ते सारा कुछ घट्टो घट जिन्हें भी पुराने गुरु वाले बढ़ने ये बदला ही बदला है। दोबारा पूछो सवाल। देखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज जी वहीर की आरंभता जी असं इतों अरदास बेनती सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों कर रहे हैं। ये वहीर अकाल तख्त साहब तो शुरू हो के आनंदपुर साहब तक यदि समाप्ति होनी है। श्री आनंदपुर साहब इत वीर ते पहुँचना है। रस्ते च अनेक पड़ा ने जिमें पहला पड़ा अज वाला जंडियाला गुरु उत्थे है। अगला पड़ा डडूआना है फिर महिता भोएवाल बाबा वकाला साहब फिर खडूर साहब गोंदवाल साहब इदा ही अगे सुल्तानपुर लोधी सैफलाबाद करतारपुर जलंधर फगवाड़ा इदा बंगा नवा शहर होंदे आपां आनंदपुर साहब पहुँचना। देखो साड़ी पुरातन रवायत है प्रचार की। उस रवायत के मुताबक असी महाराज की हजूरी दे विच तुरना हुंदा है ते थावां थावां ते पड़ा करदे हां पुरातन रौ रीतां दे नाल प्रचार करना ते नाल दी नाल अमृत संचार दा जिहड़ा वा ओह करना है। जिथे जिथे प्रचार होगा उत्थे ते अमृत संचार होगा। किन्ने दिनां दा प्रोग्राम है? ये लगभग 30 दिनां दा प्रोग्राम है। असी 21 दिसंबर तो पहलां उत्थे पहुंचना है। हाँ जी वह भी चले पै जाएंगे उसके बारे अगे जानकारी देती जाएगी। देखो बहुत नौजवानों से उत्साह है नौजवानों से बड़ा उत्साह है। मेरे भी एक मिनट आप वारी वारी सवाल कर लो। एक सवाल तुहाडा पूरा नहीं हुंदा दूजा विच पुछ लैंदा। सवाल दसो किन्ने करना है फैसला कर लो। अगे भी चलती रहेगी जी। देखो महाराज सच्चे पातशाह के हाथ वास्ते सारा कुछ घट्टो घट जिन्हें भी पुराने गुरु वाले बनणगे ये बदला ही बदला है। नौजवान नशे छड्डणगे बाणी बाणी दे धारनी बनणगे। देखो मैनू यह समझ नहीं आती भी साढ़े दे पंज तख्त ने पंजां तख्तां ते बंदूकां पईआं ने गुरु साहिबां दे वेले दीआं और उहनां दी स्थान महाराज तो 2.5 फुट उच्चा हुंदा है हैं मर्यादा मुताबक हर तख्त दे उत्ते। सो साढ़े शास्त्र पीर ने यह मैं बेनती करदा भी जिहड़े भी हिंदू वीर ते वैसे कोई इतराज़ नहीं करते एक दो संगठन है जिहड़े उहनां नूं अपना उहनां दा भी इतिहास पढ़ लेना चाहिए है। उहनां दे भी देवी देवते जिहड़े ने उहनां दे हत्थां 'च भी शस्त्र ने। सो शस्त्रां तों इदां घबराउणा नहीं चाहिए। मोदी साहब ते बंदूकों का फोटो पा रहे हैं उत्थे जो नवीं बंदूकों भारत लिए खरीदी जांदियां। बहुत नहीं देखो शामिल हर कोई हो सकता है। ये धर्म प्रचार है जिन्हें जिहड़े मन च तृष्णा है जिन्हों धर्म प्रचार चाहिए जीवन के शामिल होकर अपना जिहड़ा लै सकदा योगदान। देखो एक तो जिहड़ी अंदर भी गल हुई है संगतां नूं असीं अपील की ही तो इत्थे ते चलो साडे कंट्रोल च नहीं इनवायरमेंट असीं ये आ भी फोनां दा जिहड़ा प्रयोग है वह पंडाल के अंदर नहीं हो सकता। इस करके मीडिया भी बेनती की भी पंडाल के अंदर कोई नहीं मीडिया चैनलों को फुटेज चाहिए होंगी है वह असी आप बना के तुम रॉ फुटेज दे दिया करा पर समागम तो बाद नहीं पंजाब तो बाहर जाएगी। पर फिलहाल ये पंजाब का पूरा जो आप दौरा कर लिया फिर उस तो बाद पंजाब तो बाहर भी चले पावे। देखो ये बचकाना जी गल है हजारां जिहड़े बंदे ने
ਇੱਥੇ ਅਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਕਤਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀਰ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ।